इफ पी क्यू आर आर एन ए पी देन प्रूव दैट दिस। इस तरह के क्वेश्चन में ना दिक्कत आती है इतने सारे वेरिएबल को मैनेज करना। तो पी को पी रहने दो, क्यू को लिख दो पी प्लस पी, वेयर डी इज द कॉमन डिफरेंस, और आर क्या आ जाएगा पी प्लस टू डी। अब आसानी से हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड उठा लो बस, पी प्लस टू क्यू माइनस आर, टू क्यू प्लस आर माइनस पी, आर प्लस पी माइनस क्यू। पी को पी रहने दो टू, क्यू को क्या लिखते हैं पी प्लस डी माइनस आर, आर को क्या लिखते हैं पी प्लस टू। पहले टर्म टू, क्यू की जगह क्या आ जाएगा पी प्लस डी, प्लस आर की जगह आएगा पी प्लस टू डी माइनस पी, आर आर की जगह क्या आएगा पी प्लस टू डी, पी पी रहेगा और क्यू की जगह क्या आ जाएगा पी प्लस डी, बाहर माइनस है तो माइनस पी माइनस डी। एक पी कैंसिल, पी टू पी प्लस टू डी माइनस पी माइनस टू डी, टू पी प्लस टू डी और प्लस टू डी, यहाँ से पी प्लस डी टू डी माइनस डी, इधर एक टू डी कैंसिल इधर एक पी कैंसिल, तो ये क्या बचा टू पी। इधर से टू कॉमन ले लो, टू कॉमन लेने का देते हो पी प्लस टू डी, और ये क्या है पी प्लस डी। देखो टू इंटू टू फोर, ये पी एस ही रहेगा। पी प्लस टू डी किसको लिखा जा सकता है आर, और पी प्लस टू डी को क्या लिखा जा सकता है क्यू, तो ये आ गया फोर पी क्यू आर। ठीक है,